हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका व्यंजन वाटिका रसोई में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नान खटाई। आप लोग की डिमांड थी कि नान खटाई कढ़ाई में भी बताएं और अवन में भी, तो चलिए हम दोनों में ही बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। नान खटाई के लिए चाहिए मैदा 1 कप, बेसन 1/2 कप, सूजी 2 बड़े चम्मच, घी 1/2 कप, पिसी हुई शक्कर 1/2 कप, इलायची पाउडर 1 चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी डेकोरेट करने के लिए। अब हम सबसे पहले जितनी भी सूखी चीज़ें ली हमने, मैदा, बेसन और सूजी, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। इसके बाद एक दूसरा बाउल लेंगे और उसमें घी को और पिसी हुई शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें जो हमने सूखी चीज़ें बेसन, मैदा और सूजी छानी थी, उसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सभी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इलायची पाउडर डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स करके इनको गूथ लेंगे, एक डो तैयार कर लेंगे। यदि आपका डो टाइट है तो उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच दूध का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग ट्रे और प्लेट में ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा बटर लगा लीजिए या घी लगा लीजिए प्लेट में नीचे, जिससे निकालने में आसानी हो। और छोटे छोटे पोर्शन तोड़ के छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और उन्हें चपटा कर देंगे। इस तरह से सारी नान खटाई तैयार कर लेंगे और इन्हें थोड़ी दूरी पर रखेंगे, क्योंकि जब ये बेक हो जाएंगी तब इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो फिर शेप बिगड़ सकता है यदि आप पास पास में रखेंगे तो। इस तरह से आप ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटी से डेकोरेट कर दीजिए। आपको जो भी पसंद हो उस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से नाइफ से कट कर दीजिए। अब इसमें ऊपर टूटी फ्रूटी लगा देंगे और चारों तरफ बादाम के पीस से डेकोरेट कर दीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। इस तरह से हमने सारी नान खटाई तैयार कर ली है। अब अवन में रखेंगे। अवन को प्री हीट कर लेंगे 10 मिनट 180 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद बेकिंग ट्रे को अवन में रख देंगे और बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए। यदि आप ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं तो 5 मिनट और बेक कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम कढ़ाई में बनाएंगे, तो कढ़ाई को भी हमने 10 मिनट गर्म कर लिया है धीमी आंच पर। अब उसमें एक स्टैंड डालेंगे और नान खटाई की प्लेट रख देंगे, ऊपर से लिड लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसे 20 से 25 मिनट पकाएंगे धीमी आंच पर। अभी बेक हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया तैयार हुई हैं, इनका लाइट ब्राउन कलर आया है। जितनी बढ़िया दिख रही हैं उतनी ही खाने में ये टेस्टी लगेंगी। ये देखिए गैस की भी हमारी तैयार हो चुकी हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। आप गैस की प्लेट निकालते समय थोड़ी सावधानी रखें या ठंडा करने के बाद ही निकालें। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी नान खटाई तैयार हुई है। आप भी एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगी। ये देखिए आपको तोड़कर दिखाते हैं कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। ये देखिए नीचे से लाइट ब्राउन कलर है, बिल्कुल मार्केट जैसी तैयार हुई है। आप भी एक बार इसे ज़रूर बनाइए। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।